तो देखो, बैटमैन की मूवी आने वाली है, लेकिन यहाँ मैं उस मूवी की नहीं बल्कि बैटमैन एज अ कैरेक्टर की बात करूंगा। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो हम लोग यहाँ इस कैरेक्टर को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी ओरिजिन के डेप्थ को जानने की कोशिश करेंगे। भाई ऑब्वियसली कुछ तो बात होगी इस कैरेक्टर में जिससे कि ये इतना पॉपुलर है एंड इसकी ओरिजिन स्टोरी ऑडियंस के साथ इतना कनेक्ट करती है। अब देखो, ओरिजिन की बात हुई है तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा बंदा होगा जो कि इसकी स्टोरी नहीं जानता होगा। तो हाँ, इस कैरेक्टर की ओरिजिन ही स्टार्ट होती है ट्रेजेडी से एंड ये स्टोरी इतनी पॉपुलर हुई थी कि दूसरे कैरेक्टर्स में भी इस बेसिक स्टोरी का यूज किया गया, जैसे कि डेयर डेविल, ग्रीन एरो, आयरन फिस्ट एंड और भी कई हैं। मैं तो यहाँ कुछ कहीं नाम ले रहा हूँ। बेसिक स्टोरी एज इन बचपन में ही एक मेजर ट्रेजेडी को फेस करना जिससे कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का पूरा फ्यूचर शेप होता है। पूरा का पूरा कैरेक्टर ही उस ट्रेजेडी के कारण डिफाइन होता है। अब देखो, मैं यहाँ इन कैरेक्टर को कॉपी नहीं बोल रहा हूँ, बस ये पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि जो बैटमैन की स्टोरी थी उसका बचपन था, इस स्टोरी से ऑडियंस इमोशनली कनेक्ट हो गई थी एंड डिफरेंट राइटर्स ने इसी बेसिक स्टोरी को अपने वे में भी प्रेजेंट किया फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स, जो कि किसी भी सेंस में गलत नहीं है। भाई आज भी 90% ऑफ द मूवी का प्लॉट गुड वर्सेस एविल का ही होता है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि सारे कॉपी होते हैं। पर हाँ, इस बात से मैं ये दिखाना चाह रहा था कि बैटमैन का इस पूरे जॉनरा पे कितना इम्पैक्ट हुआ है आप समझ ही सकते हो। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये वन एंड ओनली ऐसा कैरेक्टर है जिसकी ओरिजिन इतनी पॉपुलर है। पीटर पार्कर और रेडियो एक्टिव स्पाइडर की स्टोरी सब जानते हैं, या फिर सुपरमैन की ओरिजिन ही ले लो, उसके प्लैनेट का डिस्ट्रॉय होना, उसका अर्थ पे आना, सबको उसके बारे में पता है। बट द डिफरेंस इज कि बैटमैन की स्टोरी से लोग कनेक्ट कर पाते हैं, सिंस उसके लाइफ में जो इवेंट हुए हैं उससे कॉमन ऑडियंस कनेक्ट कर पाती है। ऑब्वियसली डेथ, क्राइम, रिवेंज कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें ह्यूमंस का एक्सपीरियंस होता है, और यही तीन एलिमेंट्स बैटमैन की स्टोरी में हैं। ऑब्वियसली कोई आम इंसान रेडियो एक्टिव स्पाइडर को रियलिटी नहीं मानेगा एंड अभी तक ह्यूमंस ने किसी भी प्लैनेट के डिस्ट्रक्शन को विटनेस नहीं किया है, तो सुपरमैन की स्टोरी भी उनसे उतना कनेक्ट नहीं कर पाएगी। बट किसी के साथ हुए डेथ को, किसी के साथ हुए क्राइम को, किसी के रिवेंज की स्टोरी को हम लोग आसपास सोसाइटी में देखते रहते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो इफ आप फिक्शन एंड रियलिटी को एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हो, तो मान लो यहाँ रियलिटी है एंड यहाँ पे फिक्शन है, तो बैटमैन की स्टोरी फिक्शन से ज्यादा रियलिटी के क्लोज होती है एंड अदर सुपर हीरोज की स्टोरी फिक्शन से ज्यादा क्लोज होती है। और भाई जितना रियलिटी से ज्यादा क्लोज होगी आप उससे ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। अब देख ही रहे होगे कि यार बैटमैन ही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी ओरिजिन को मैंने बिना बताए उस पे इतना डिस्कस कर लिया। यार इतना डेप्थ ही है इस कैरेक्टर में एंड ऑब्वियसली ओरिजिन के बाद आता है इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो एक ऐसा बच्चा जो कि बिलीनियर है पर उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया सिटी में बढ़ रहे क्राइम के चलते, एक ऐसे कैरेक्टर को आप कैसे डेवलप करोगे? तो यहाँ पे राइटर्स के पास दो ऑप्शन थे। पहला कि भाई ब्रूस वेन अपने लॉस के चलते साइको हो गया, अपने बिलीनियर होने का यूज करके वो बैटमैन बना एंड क्रिमिनल्स को जान से मारने लगा। वो वही काम करने लगा जो किसी क्रिमिनल ने उसके पेरेंट्स के साथ किया था। तो इसे आप कह सकते हो कि बैटमैन एंटी हीरो बन जाता, जो कि कई स्टोरी लाइंस में है भी, तो क्या होता। देन दूसरा ऑब्वियस वे था कि बैटमैन ने अपने लॉस का रीजन समझा, विच इज इंक्रीजिंग क्राइम, ही स्टार्टेड टू हेट द क्राइम बट नॉट द क्रिमिनल्स। अगेन उसने अपने रिसोर्सेज का यूज किया, प्रॉपर ट्रेनिंग ली और बैटमैन बना एंड सिंस ही हेट्स द क्राइम उसने क्राइम को ही रिमूव करना स्टार्ट कर दिया, ना कि क्रिमिनल्स को। बैटमैन का नो किल रूल तो आपको पता होगा ही एंड मेरे अकॉर्डिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो अपने एनिमीज को इसीलिए नहीं मारता है, वो नहीं चाहता कि बचपन में उसने जो फेस किया था वही सेम चीज कोई और भी फेस करे एंड दिस इज वॉट डिफरेंशिएट्स हिम फ्रॉम हिज एनिमीज एंड फॉर श्योर सुपर हीरो होने का मतलब यही होता है। तो हाँ, यहाँ आपने सुना ही कि कैसे अपने ट्रॉमेटिक पास्ट से बैटमैन ने एक डार्क पर्सोना लिया, एक ऐसा पर्सोना जो कि उसके एनिमीज को डरा दे, लेकिन उसने अपनी पर्सनालिटी डार्क नहीं की, एक तरह से वो जस्टिस एंड फियर का सिंबल बना। अब देखो, ऐसा नहीं है कि उसके ट्रॉमेटिक पास्ट से उसके लाइफ में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ है। भाई अगर ओवरऑल देखें तो उसकी पूरी लाइफ ही नेगेटिव है एंड एक चीज शायद जो आपको भी पता होगा कि बैटमैन ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, नॉट इवन हिज सुपर हीरो फ्रेंड्स। ये कैरेक्टर अपना पूरा सीक्रेट अल्फ्रेड को भी शेयर नहीं करता, तो दूसरे पावरफुल कैरेक्टर्स को क्या ही करेगा। एंड ऑब्वियस भी है कि जैसे इवेंट्स उसके लाइफ में हुए हैं उसके बाद उसके लिए किसी पे ट्रस्ट करना मुश्किल है एंड हमेशा उसे वर्स्ट कंडीशन के लिए रेडी रहना होता है, मतलब हर चीज का, हर डेविएशन का उसके पास एक प्लान होता है। आपने मूवी में बैटमैन को सुपरमैन से लड़ते देखा ही होगा, बट इन कॉमिक्स ही वॉज रेडी टू फाइट ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ जस्टिस लीग। आपको शायद बैटमैन की कंटीजेंसी प्लान के बारे में पता नहीं होगा, तो इस कैरेक्टर ने एक कंटीजेंसी प्लान बनाया है जिसके अकॉर्डिंग इफ कोई भी सुपर हीरो और अ ग्रुप ऑफ सुपर हीरो
किसी तरह से धोखा दे दें या फिर वर्ल्ड के लिए या उसके लिए खतरा बने तो वो इस प्लान का यूज कर पाए। एंड इस प्लान में उसने मोस्ट ऑफ द सुपर हीरोज अलोंग विद मेंबर्स ऑफ जस्टिस लीग के वीकनेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्लान्स एंड वेपन्स बना रखे हैं। भाई हर एक कैरेक्टर को हराने का प्लान है उसके पास। तो हाँ, इससे वो किसी भी कैरेक्टर को ट्रस्ट नहीं करता है ये भी पता चलता है, एंड वो वर्स्ट कंडीशन के लिए हमेशा रेडी रहता है ये भी पता चलता है। He knows कि प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ नहीं चलता तो बैकअप प्लान होना जरूरी है। वैसे यहीं पे मुझे उसके कैरेक्टर को लेकर एक और इवेंट याद आ गया जो कि डायरेक्टली इसके ट्रस्ट से कनेक्टेड है, एंड साथ ही पता चलता है कि बैटमैन मेंटली कितना स्ट्रांग है। वंडर वुमन के लासो ऑफ ट्रूथ के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इफ कोई भी इस लासो ऑफ ट्रूथ के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो सच ही बोलता है। तो कॉमिक्स में एक इवेंट हुआ था जिसमें बैटमैन, सुपरमैन एंड वंडर वुमन एक मिशन पे जाने वाले थे, एंड मिशन पे जाने से पहले वंडर वुमन एक ट्रस्ट एक्सरसाइज करती है। भाई वो कुछ सुपर हीरोज के साथ मिशन पे जाने वाली है तो ऑब्वियसली एक दूसरे पे ट्रस्ट होना जरूरी है। तो इसके लिए वो लासो ऑफ ट्रूथ के साथ पहले सुपरमैन का असली नाम पूछती है एंड वो बता देता है, देन वो बैटमैन का रियल नेम पूछती है एंड वो बोलता है आई एम बैटमैन। तो इसी से आप समझ सकते हो कि उस टाइम पे वो वंडर वुमन को ट्रस्ट नहीं कर रहा था विथ हिज रियल आइडेंटिटी, एंड साथ ही लासो ऑफ ट्रूथ इस पे काम नहीं किया, विच मीन्स कि उसने अपने माइंड को कितना ट्रेन कर लिया है। उसके लिए बैटमैन एंड ब्रूस वेन दो अलग पर्सनैलिटीज ही हैं। इन सिंपल वर्ड्स बोलूं तो उसके माइंड में, उसके ब्रेन में ब्रूस वेन बैटमैन नहीं है, ये दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। नहीं तो यार लासो ऑफ ट्रूथ को धोखा देना इम्पॉसिबल है। तो हाँ यार, ये था मेरा बैटमैन के कैरेक्टर का एनालिसिस। होप सो कि आपको पसंद आया होगा। मैं जानबूझकर ज्यादा डीप में नहीं गया हूँ, नहीं तो वीडियो यार घंटों की बन जाती। तो हाँ, आप लोग कमेंट में बताना कि आपके अकॉर्डिंग बैटमैन का कैरेक्टर कैसा है दूसरे कैरेक्टर्स के आगे। एंड हाँ, जाने से पहले लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। बैटमैन की सिनेमैटिक हिस्ट्री जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड द डार्क नाइट बेस्ट सुपर हीरो मूवी क्यों है ये जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।